भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण गुरुवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने धरना स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण की सभा में भीम आर्मी के लोग पूरे प्रदेश भर से पहुंचे थे, जहां मंच से चंद्रशेखर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13 के बजाय 16% आरक्षण लागू करने की मांग की। यह भी कहा कि हम कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में 3 मार्च तक वक्त दे रहे हैं, अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हुई तो 3 मार्च को मैं फिर आऊंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाज के लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने मन से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील भी की। सभा के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के मसले पर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, जिसे पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास रोक लिया। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन ली। कार्यक्रम में आए लोगों से चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि देश में 90% लोगों पर 10% लोग राज कर रहे हैं, उन्हें पिछड़ों और शोषित वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर की ये सभा चुनावी मोड़ में भी दिख रही। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा, जरूरत महसूस होने पर आने वाले समय में अपना नेता भी चुनाव में उतारेंगे। लोगों से कहा, अधिकार मांगने से मिलती तो हजारों सालों से हम मांग रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं मगर अधिकार नहीं मिल रहे, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार को छीनना पड़ता है, छीनने के लिए शक्ति चाहिए, जिसकी सत्ता होती है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। चंद्रशेखर ने कहा कि देश में कई यात्राएं की है, पता चला कि कोई भी सरकार हो वो सरकार कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनने में लगा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, कभी नक्सल के नाम पर तो कभी उत्पादन क्षेत्र को कब्जाने के नाम पर। इस प्रदेश में 80% आबादी वंचितों की है, हम प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। आवासीय कोचिंग सेंटर, लेकिन बाबो बाग से मिनी माता का नाम काट दिया और छत्तीसगढ़ के विधानसभा से मिनी माता का नाम काट दिया। साथियों, ये उनका दोहरा चरित्र है, ये उनका दोगला चरित्र है। इन सारे चीजों को आपको समझना चाहिए और जितना दोषी भूपेश बघेल है उससे भी कहीं ज्यादा दोषी हमारे समाज से चुन के गए रुद्र कुमार का है। जी की धरती है तो सबसे पहले जय सतनाम, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। मैं भी बोलू तुम भी बोलो, हम सब बोले, हम हमारा रावण भैया मांगे, दिनेश भैया मांगे, राजकुमार भैया मांगे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।